Hello everyone. Today we would be discussing problem 2 of the 50 challenging problems. The problem is successive wins. Here is the description of the problem. इस problem में Elmer एक 3 set series tennis की खेल रहा है, जिसमें से उसको 2 tennis sets continuously जीतने होंगे to get a prize from his father. Elmer अपने father और club champion के साथ खेल रहा है alternatively. तो उसके पास दो चॉइसेस हैं 3 सेट सीरीज खेलने के, या तो वो फादर चैंपियन फादर खेल सकता है या तो चैंपियन फादर चैंपियन खेल सकता है. और ये क्वेश्चन में गिवन है कि चैंपियन इज अ बेटर प्लेयर देन एल्मर्स फादर. तो अब एल्मर को चूज करना है कि उसे कौन सी सीरीज खेलनी है, फादर चैंपियन फादर या चैंपियन फादर चैंपियन. सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. इस क्वेश्चन में टू टाइप ऑफ सीरीज गिवन है. द फर्स्ट इज फादर चैंपियन फादर एंड द सेकंड इज चैंपियन फादर चैंपियन. एल्मर को सेलेक्ट करना है कौन सी सीरीज को सेलेक्ट करे सो दैट हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज हायर. एक और चीज गिवन है कि प्रोबेबिलिटी टू विन अगेंस्ट फादर विच वी कैन से एज एफ इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी टू विन अगेंस्ट चैंपियन विच वी कैन से एज सी. तो इंट्यूटिवली हमें ऐसा लग रहा है कि एल्मर को फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट करनी चाहिए, दैट इज एफ सी एफ, क्योंकि वो दो बार फादर के साथ खेलेगा और प्रोबेबिलिटी टू विन अगेंस्ट फादर इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी टू विन अगेंस्ट चैंपियन. बट क्या ऐसा न्यूमेरिकली आंसर भी यही आता है? लेट्स सी. एफ सी एफ सीरीज अगर वो सेलेक्ट करता है तो उसके पास 3 चॉइसेस है जीतने के लिए. या फिर तो वो तीनों मैचेस जीत जाए, या फिर फर्स्ट 2 मैचेस जीत जाए, या फिर वो लास्ट 2 मैचेस जीत जाए. फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी है एफ सी एफ, सेकेंड केस की प्रोबेबिलिटी है एफ सी 1-F, थर्ड केस की प्रोबेबिलिटी है 1-F सी एफ. इसको ऐड करेंगे तो एफ सी 2-F. अगर वो सेकेंड चॉइस सेलेक्ट करता है दैट इज सी एफ सी, अगर उसे इस चॉइस में जीतना है तो उसके पास फिर से 3 केसेस है, या फिर तो तीनों मैचेस जीत जाए, या फिर वो फर्स्ट 2 मैचेस जीत जाए, या फिर वो लास्ट 2 मैचेस जीत जाए. फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी है एफ सी एफ सी, सेकेंड केस की प्रोबेबिलिटी है सी एफ 1-C, थर्ड केस की प्रोबेबिलिटी है 1-C एफ सी. इसको ऐड करेंगे तो एफ सी 2-C आ रहा है. सिंस एफ ग्रेटर देन सी है, 2-F लेस देन 2-C होगा, तो एफ सी 2-F लेस देन एफ सी 2-C होगा. सो न्यूमेरिकली आता है की प्रोबेबिलिटी टू विन इन द सेकेंड चॉइस दैट इज द सी एफ सी सीरीज इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी टू विन इन द एफ सी एफ सीरीज. सो उसे सी एफ सी सीरीज सेलेक्ट करनी चाहिए. तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो हमारा इंट्यूशन और हमारा न्यूमेरिकल आंसर दोनों अपोजिट आ रहे हैं? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि दो कॉन्जिक्यूटिव मैचेस उसे जीतने हैं टू विन, और दो कॉन्जिक्यूटिव मैचेस जीतने के लिए उसे सेकेंड मैच जीतना ही होगा. दैट मीन्स उसे ये वाला मैच हमेशा जीतना ही होगा. फर्स्ट केस में ऐसा हो रहा है कि वो सेकेंड मैच चैंपियन के साथ खेल रहा है, और सेकेंड चॉइस में वो सेकेंड मैच फादर के साथ खेल रहा है. एंड वी नो कि प्रोबेबिलिटी टू विन अगेंस्ट फादर इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी टू विन अगेंस्ट चैंपियन. सो इसलिए ये वाला एडवांटेज ओवर पावर कर रहा है, एंड फाइनली वी आर गेटिंग की सी एफ सी सीरीज एल्मर को सेलेक्ट करनी चाहिए. सो डोंट गो बाय इंट्यूशन, सॉल्व द प्रॉब्लम न्यूमेरिकली एंड देन find the actual solution.